हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं कि सप्लाई जो है वो प्रभावित कैसे होती है, उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। तो प्रभावित करने वाले घटक और उसके साथ में जो सप्लाई है उसमें चेंज कैसे आता है, सप्लाई क्वांटिटी में चेंज और सप्लाई में चेंज दोनों अलग अलग बातें, जैसे हमने डिमांड में भी पढ़ा था, तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से। तो प्रभावित करने वाले घटक में जैसे डिमांड में था वैसे ही पहला घटक तो यही है, जो डिमांड और इसका दोनों सेम है वो है बाजार कीमत वस्तु की बाजार कीमत। अभी जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था पूर्ति का नियम क्या कहता था, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। एक चीज और बता देता हूं आपको, पूर्ति के नियम में मैं पहले वाले लेक्चर में नहीं बता पाया था कि पूर्ति का नियम है वो क्रियाशील क्यों होता है। क्रियाशील होने के दो तीन कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, जो उत्पादक है उसको लाभ अधिक होगा, और लाभ अधिक होगा तो वो क्या करेगा, उसकी पूर्ति भी बढ़ाएगा। ठीक है ना, कीमत बढ़ेगी तो वो उसकी पूर्ति भी बढ़ाएगा। उसके साथ में अगर मार्केट में यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे लोगों को भी ये लगता है कि यार मैं इस फील्ड में अगर जाऊंगा तो मुझे लाभ ज्यादा होगा, तो जो नए उत्पादक है उनका आगमन होता है, नए उत्पादक आते हैं तो वो और सप्लाई करते हैं, तो पूर्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे पूर्ति का नियम क्रियाशील होता है। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं, बाजार कीमत। तो बाजार कीमत जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कीमत बढ़ी भी होगी तो पूर्ति बढ़ाएंगे क्योंकि उनको लाभ अधिक करना है, कीमत घटी भी होगी तो पूर्ति घटाएंगे क्योंकि उनको ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से बाजार कीमत क्या होती है, पूर्ति को प्रभावित करती है, सप्लाई को प्रभावित करती है। ठीक है ना, यानी बाजार कीमत अगर ज्यादा होगी तो जो सप्लाई है वो भी ज्यादा होगी, बाजार कीमत अगर कम होगी ये है ना तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दूसरी चीज होती है साधन कीमत। अब ये साधन कीमत क्या होती है, वेक्टर कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। साधन कीमत जो उत्पादन में जो हमने साधन प्रयोग में लिए, जैसे मजदूर हो गए, भूमि हो गई है ना, ये सब क्या होते हैं, पूंजी हो गई, ये सब साधन होते हैं। तो इन साधनों की अगर कीमत बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कीमत बढ़ेगी साधनों की, मजदूर अगर ज्यादा पैसा लेगा, भूमि के लिए ज्यादा लगान देना पड़ेगा, तो क्या होगा, तो जो उत्पादक होगा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो जो उत्पादन है वो कम होगा, उत्पादन कम होगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी। यानी अगर साधन कीमत बढ़ती है तो जो सप्लाई हो क्या होती है, कम हो जाती है, और साधन कीमत अगर घटती है तो सप्लाई क्या है, बढ़ जाती है। यानी बाजार कीमत से तो इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन साधन कीमत से सप्लाई का नेगेटिव रिलेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये साधन कीमत इफेक्ट करती है डायरेक्ट कॉस्ट पर। साधन कीमत बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो उत्पादन कम होगा तो पूर्ति कम होगी, और इसी का उल्टा आप कर सकते हो। ठीक है ना, समझ गए। अब चलते हैं आगे, संबंधित वस्तु की कीमत। अब ये क्या चीज होती है, ये आपको डिमांड में भी बताया था, दो वस्तु होती है संबंधित, पूरक और स्थानापन्न, वहां पर अलग चीज थी, यहाँ पर क्या चीज है, संबंधित वस्तु की। मान लो पूरक वस्तु है दो, कोई भी आप ले लीजिए, जैसे पेन और स्याही, ये क्या है, पूरक वस्तु है, यानी स्याही के बिना पेन का काम नहीं चल सकता। ठीक है ना, कार और पेट्रोल के बिना कार का काम नहीं चल सकता। तो यहाँ पर यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है ना, एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक को लगता है कि आप हमें लाभ ज्यादा मिलेगा, तो वो जो दूसरी वस्तु उससे रिलेटेड होती है पूरक वस्तु, उसकी जो है पूर्ति भी बढ़ा देते हैं। यानी कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ा देते हैं, पूरक वस्तु में भी और स्थानापन्न वस्तु में भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पूरक वस्तु बढ़ रही है की कीमत बढ़ रही है तो उसकी जो पूरक है उसकी भी कीमत, उससे हमें ज्यादा लाभ मिलेगा तो उसकी वो पूर्ति बढ़ा देते हैं। चाय कॉफी जैसे स्थानापन्न वस्तु है, तो चाय की अगर कीमत बढ़ रही है तो वो कॉफी की जो पूर्ति है वो भी बढ़ा देते हैं, कि चाय की कीमत बढ़ने से क्या होगा, उसकी डिमांड कम होगी तो इधर लोग आएंगे किधर, कॉफी की तरफ, तो कॉफी की तरफ अगर लोग आएंगे तो कॉफी की पूर्ति वह क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, इसको तकनीकी परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे किसी भी उत्पादन में ले लो आप, किसी भी फर्म के प्रोडक्शन में ले लो आप, वहां पर अगर तकनीक में कोई चेंज आता है, तकनीक में अगर सुधार होता है, सुधार आने का मतलब क्या है कि उसकी जो कॉस्ट है अब कम हो जाएगी, क्योंकि अब कम समय में उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, कम समय में उसका ज्यादा उत्पादन होगा, तो क्या होगा, तकनीक में सुधार आने से उत्पादन बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगी, और उत्पादन कम होगा, तकनीक अगर सुधरती नहीं है और तकनीक में अगर खराबी आती है तो उत्पादन कम होगा तो पूर्ति भी सप्लाई भी कम होगी। तो प्रौद्योगिकी परिवर्तन से भी क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, अगर सुधार आता है तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है, और अगर सुधार नहीं आता है तो सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है ना,
ओके गॉट इट। ये चार जो है ये इसके मेन पॉइंट है जिसको आपको याद करना ही है, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे तो तीन चार पॉइंट ही पूछे जाएंगे प्रभावित करने वाले, आपको ये चारों लिखने हैं, ठीक है ना। अब अगर कुछ अन्य कारक भी होते हैं है ना, वैसे ये भी मेन ही होता है लेकिन मेन ये है, मेरे हिसाब से आप ये याद करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अदर कारण जो लिख करके मैंने प्रभावित करने वाले घटक, विशेष अवसर, यानी आप खुद देखते हो जब शादी ब्याह का या कोई भी उत्सव का माहौल रहता है तो उस समय क्या होता है, लोग जो है वो क्या करते हैं, उत्पादक क्या करते हैं, उत्पादक जो है वो वस्तुओं की सप्लाई को, जो भी वस्तु उस त्योहारी सीजन में ज्यादा बिकेगी उसकी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे लाभ ज्यादा मिलेगा, इनकी कीमतें बढ़ी हुई है तो मैं क्या करता हूँ सप्लाई बढ़ा देता हूँ। तो विशेष अवसर होता है तो उसमें भी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है ना, ओके ठीक है। उसके बाद आगत की गुणवत्ता, आगत की गुणवत्ता भी सप्लाई को इफेक्ट करती है। जैसे आप देखते होंगे जब कृषि हम करते हैं, जो हमारे किसान भाई है वो खेती करते हैं, तो वहां पर अगर वो हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या होता है, कम समय में ज्यादा लाभ मिलता है, कम समय में ज्यादा उत्पादन मिलता है, तो पूर्ति क्या होती है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आगत की जो गुणवत्ता है उससे भी पूर्ति बढ़ती है, ठीक है ना। अगर अच्छी होगी तो पूर्ति बढ़ेगी और कम होगी तो पूर्ति नहीं बढ़ेगी, घटेगी। परिवहन लागतें, अगर परिवहन लागतें अच्छी है किसी एरिया में और सड़कें वगैरह अच्छी है और परिवहन की जो कॉस्ट है वो कम आती है, तो परिवहन की कॉस्ट अगर कम आएगी तो पूर्ति क्या होगी, उत्पादन बढ़ेगा और पूर्ति बढ़ेगी, और इसी का उल्टा आप ले लीजिए। तो ये सारी चीजें आप समझ गए, आसानी से समझ गए, बिल्कुल समझ गए। नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स है, व्हाट्सएप है, आप मेरे से पूछ सकते हो। एक बार रिवाइंड करके देखे, मैं जल्दी बोल रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। अब चलते हैं अपन आगे। अब जो मेन चीज है हमारी वो है पूर्ति में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था, डिमांड मात्रा यानी जो मांग मात्रा है उसमें परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, तो मांग मात्रा में परिवर्तन उसी वक्र पर हो रहा था और मांग में परिवर्तन वक्र चेंज हो रहा था। यहां पर भी सेम चीज है, अगर पूर्ति मात्रा में परिवर्तन तो उसी वक्र पर संकुचन या विस्तार होगा और पूर्ति में परिवर्तन तो वक्र शिफ्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। जैसे हम इन सब कारक को लेते हैं, अगर इसको मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, अगर इसको अगर मैं फलन के रूप में लिखता हूं तो फलन के रूप में अगर मैं लिखूंगा तो फलन के रूप में फलन के रूप में अगर मैं लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा सप्लाई को, सप्लाई फलन है ना, क्या है सप्लाई बराबर फंक्शन है जिसका उसी वस्तु की कीमत यानी प्राइस पी एक्स का पी वाई का यानी संबंधित वस्तु की कीमत, यहां मैं लिख सकता हूँ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। तकनीकी परिवर्तन को आप लिख दीजिए, टेक्निक कर दीजिए, ठीक है ना। और भी आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हो, मेन ये चार प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कीमत उसी वस्तु की कीमत से अगर पूर्ति बढ़ती है या कम होती है तो वो कहलाता है पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। देखिए इधर ये मैं वक्र बना रहा हूँ, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओ है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने ये वक्र बनाया, पूर्ति वक्र ऐसा ही होता है, अभी मैंने आपको बताया था ये सप्लाई कर्व हो गया हमारा, ठीक है ना। अब देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल हम इस जगह पर हैं, है ना, मैंने आपको कहा था वाई एक्सिस पर कीमत आएगी, इधर क्वांटिटी आएगी, हमारी कीमत ओपी है और मात्रा ओ क्यू है। अब अगर कीमत बढ़े या कीमत घटे, कीमत अगर बढ़ेगी तो क्या हो रहा है, हमारी पूर्ति बढ़ रही है, तो इसको कहते हैं हम विस्तार, पूर्ति में विस्तार होना, क्या कहना है, एक्सटेंशन यानी विस्तार होना। और अगर क्या होता है, यहाँ पे पी वन होगी कीमत तो क्वांटिटी क्यू वन हो गई, अगर कीमत कम होगा पी टू हो गई तो क्वांटिटी कम होगा ओ क्यू टू हो गई। इसको बोलते हैं नीचे की ओर जो आया है ना कीमत कम होने पर, यह कहलाता है संकुचन, ठीक है ना, विस्तार और संकुचन। यानी उसी वक्त पर हम या तो ऊपर की ओर गए या नीचे की ओर गए, किसकी वजह से हो रहा है, कीमत की वजह से, यानी इस घटक की वजह से, इस घटक की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आता है तो वो कहलाता है संकुचन और विस्तार होना, यानी पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। लेकिन यदि ये वक्र, ये जो चीज है इसको हम स्थिर मान लें और इन तीनों में से किसी से परिवर्तन होता है तो फिर वक्र चेंज हो जाता है, वक्र में शिफ्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज देखिए आप, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओ है, ये हमारा पूर्ति वक्र है एस, ठीक है ना। अब यहाँ हमारी क्वांटिटी हो गई, यहाँ हमारी प्राइस हो गई। अब इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हैं, ओपी कीमत है और ओपी मात्रा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब कीमत मान लो हमारी स्थिर है, लेकिन मान लो तकनीक में परिवर्तन हो गया, तकनीक में सुधार आ गया, तकनीक में सुधार आता है तो क्या होता है, तकनीक में सुधार आता है तो पूर्ति बढ़ती है, क्योंकि लागत कम हो जाती है, और लागत कम हो जाती है तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, तो पूर्ति बढ़ेगी तो वक्र जो है ना जब बढ़ता है ना, पूर्ति बढ़ेगी तो वक्र दाईं ओर खिसकेगा, है ना। कोई भी चीज में अगर इंक्रीज होगी तो दाईं ओर खिसकेगा, तो आप दाईं ओर खिसकाइए इस पूर्ति वक्र को। जैसे मैं इधर खिसका देता हूँ, ये मेरे दाईं ओर ये एस वन वक्र हो गया, ठीक है ना। अब इस एस वन वक्र पे देखिए हम कीमत उसी पे रहेंगे, पी कीमत पे। अब इसी पी कीमत पे क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है ना। यानी किसकी वजह से, तकनीक में सुधार होने की वजह से,
कीमत स्थिर रही लेकिन तकनीक में सुधार होने की वजह से पोल्ट्री वर्कर जो है वो शिफ्ट हो गया और जो क्वांटिटी है वो सप्लाई की वो बढ़ गई। ठीक है ना, इसी तरीके से उल्टा ले लीजिए, अगर मान लो साधन कीमतें बढ़ जाए, साधन कीमतें बढ़ती है तो क्या होता है लागत बढ़ती है और लागत बढ़ेगी तो क्या होगा उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो क्या होगा पूर्ति कम होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पूर्ति कम होगी तो बाई ओर खिसकेंगे, ये यहाँ पे जैसे हम खिसक गए, ये H2 वक्र हो गया। अब कीमत वही है ओपी, ठीक है ना, अब उसी कीमत पे हम नीचे आए तो ये क्या हो गई ओपी2 हो गई। ठीक है ना, पहले ओक्यू थी फिर ओक्यू वन हो गई तकनीक के सुधार से और साधन कीमत बढ़ने से ओक्यू टू यानी जो सप्लाई है वो कम हो गई। तो कम होने पर बाई ओर और ज्यादा होने पर दाई ओर किसकी वजह से, अन्य कारक कीमत के अलावा अन्य कारकों की वजह से, इसको कहते हैं पूर्ति वक्र में परिवर्तन या फिर पूर्ति वक्र में शिफ्ट होना या फिर खिसकाव होना, और इसको कहते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, एकदम कंप्लीट करा दिया मैंने आपको पहले वाला लेक्चर और ये लेक्चर आप देख लीजिएगा और आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई खत्म हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।